सुशील मुगमा एरिया की हरिया जाम 5-6 नंबर इंक लाइन में मजदूरों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कामकाज ठप कर दिया है। एटक की इशियल मुगमा एरिया अध्यक्ष कमल बनर्जी ने बताया कि शुक्रवार को हरिया जाम 5-6 नंबर इंक लाइन में दिलीप दास नामक केबल मैन इंक लाइन में पंखा सही से नहीं चल पाने कारण बेहोश हो गया था। उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन प्रबंधन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। मजदूरों ने उसे स्ट्रेचर पर ले जाकर इंक लाइन से बाहर निकाला और साकोड़िया हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया। इसलिए आज हम लोग पंखा सही करवाने की मांग को लेकर कामकाज ठप कर दिया है। बाद में प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन मिला कि 15 से 20 दिनों में पंखे की मरम्मती करवा दी जाएगी। प्रबंधन सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देता है, उसे मजदूरों की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। सवाल पर कल जो है एक मजदूर का घटना की मजदूर गिर गया, जो प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं उनको दायित्व बनता है, एक सेफ्टी मैनेजर का दायित्व बनता है, एक इंजीनियर को दायित्व बनता है उसको स्ट्रेचर से लेकर के हॉस्पिटलाइज करने का, वो ऐसा नहीं कर पाया। हमारा मजदूर सारे जो है ये गौतम कामुद्दीन जो है ये लोग जो है हमारा सेकेंडरी पेशेंट है, ये लोग अपना लेकर के सकतोड़िया में एडमिशन कराए, तो स्थिति ये विकट परिस्थिति है। इनिरसा एरिया का एक विकट परिस्थिति है। इंक्लाइन सारे इंक्लाइन को भूमिगत खदान को ये लोग चाहते हैं कि बंद करके आउटसोर्सिंग एक ओसीपी का तहत कहीं ना कहीं जो लूट अभी चल रहा है, इस लूट ओसीपी का तहत जो लूट शुरू हुआ ये और बड़ा, ये एक बड़े रूप से कैसे लूट चलेगा, तो इसको एक जो है अपना ये लोग प्री प्लानिंग बनाने का काम कर रहा है। समूचा भूमिगत खदान को ये लोग